दोस्तों, ये टी वी एस स्टार सिटी प्लस न्यू मॉडल बाइक है और ये बाइक अभी स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर प्लग साफ़ करने के बाद ये स्टार्ट हुआ। लेकिन कस्टमर का कहना है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा खा रहा है, जहाँ तक कि मैं भी देख रहा हूँ। इस प्लग को खोलने के बाद ये प्लग बिल्कुल ब्लैक जैसा दिखाई दे रहा हो, मेरे ख्याल से ये ब्लैक स्मोक भी मार रहा होगा। तो हमारे पास ये बाइक आई है तो हम इसे सेटिंग करेंगे। आखिर ये पेट्रोल क्यों खा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम सारे काम हम करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने इसका यहाँ से फिल्टर खोला है, इसका फिल्टर काफ़ी ज़्यादा इसका गंदा हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो इस फिल्टर को हम पूरा क्लीन करेंगे पहले। ये फिल्टर बहुत ही ज़्यादा गंदा है, लगता है कि बहुत दिनों से नहीं खुला है ये, और अंदर भी देखिए कितना डस्ट है यहाँ पर। इसे क्लीन करने के बाद हम इसका कार्बोरेटर भी साफ़ करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी 40,000 लमसम चल चुकी है, हमें कार्बोरेटर भी साफ़ करना चाहिए। और कार्बोरेटर साफ़ करने के लिए हमें ये जो एयर इसको नट होता है, हम इसे भी खोल के हम अच्छे से साफ़ करेंगे। कार्बोरेटर साफ़ करते हुए हम आपको दिखाएँगे इसमें क्या करना होगा और इसका ट्यूनिंग किस तरीके से करना है, माइलेज सेटिंग किस तरीके से करना है, इस वीडियो में आप जान सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसका जो कार्बोरेटर है वो मैंने बाहर निकाल के रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा है अभी। ये ब्लैक स्मोक इसने बाइक पहले मार रहा था, इसलिए ये पूरा अंदर से ब्लैक हो गया है, धुआं जैसा दिखाई दे रहा है ये। तो इसे हम पूरा क्लीन करेंगे, पेट्रोल से पूरा वॉश करेंगे और बिल्कुल चकाचक इसे करना है हमें। और इसे अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को पूरा, मैंने बताया है हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तभी आपका माइलेज ठीक से ट्यूनिंग होगा। अच्छा, फिर माइलेज अच्छा देने लगेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि हम सिर्फ ट्यूनिंग करेंगे और मेरा माइलेज सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी अंदर से ही इसका चाल गड़बड़ा जाता है, सेटिंग ख़राब हो जाता है, कार्बोरेटर का जो माइलेज कम देने लगता है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लास्ट में देखेंगे इसका पूरा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व होया हुआ मिलेगा। Thank you.
दोस्तों सारा काम करने के बाद मैंने बाइक को चलाकर भी देखा, 1 किलोमीटर माइलेज बिल्कुल ओके दे रही है, यानी 60 से बिल्कुल ओके है, 60 से ऊपर है। और प्लग का भी हालत देख सकते हैं, पहले से बहुत ही बेहतर हो गया है। और फिर जब दूर दूर दराज बाइक चलाएंगे उसके बाद और भी अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा।